आरटीओ को बंधक बनाया गया, एजेंट विमल को पुलिस ने उठाया। आरटीओ ऑफिस छावनी में तब्दील, आरटीओ ऑफिस नहीं आते हैं, लगा है आरोप। रीवा आरटीओ ऑफिस में जिस बात का अंदेशा था आखिर वही हुआ। आरटीओ मनीष त्रिपाठी पर आरटीओ एजेंटों का गुस्सा फूट पड़ा। आरटीओ पर आरोप था वह ऑफिस नहीं आते, सारा काम इधर उधर बैठ कर करते हैं। मंगलवार की शाम जब आरटीओ अपने ऑफिस पहुंचे तभी वहां पर सारे एजेंटों ने उनको घेर लिया। गुस्साए आरटीओ ने एक एजेंट विमल पटेल को पुलिस के हवाले करवा दिया। बदले में एजेंटों ने आरटीओ को उन्हीं के ऑफिस में बंधक बना लिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिर चला समझाइशों का दौर। देखिए आरटीओ ऑफिस का आंखों देखा हाल। और आप आज तक में कितने घंटे ऑफिस आए? विमल तिवारी को यही हम पूछते हैं, वजह क्या थी उनको? यही तो कोई बताने को तैयार नहीं है। वजह ये है, हमारे ख्याल से उन्होंने कुछ मैसेज चुनाव आयोग को भेजे हैं, उससे किया गया कि तुमने मैसेज भेजे हैं और पुलिस बुला के उनको बंद कर। और हम लोग पूछने के लिए बैठे हैं तो, और हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि बताइए कि क्या दिक्कत है भाई, आप हमको ना मिलेंगे तो हम भी दसों बार कहे कि आरटीओ के लिए हम बैठना चाहिए। हम विंध्याचल परिवहन सलाहकार समिति चलाते हैं, वो सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत है, उसके हम सचिव हैं रविशंकर मिश्रा, हमारे अध्यक्ष आदरणीय सियाराम गुप्ता जी हैं, हमारे संरक्षक आदरणीय दीपराज सिंह जी हैं, हम सभी लोग बैठे हैं। और यदि हम कोई गुनाह करते हैं तो आप लोग बताइए ना। पर ये एक्चुअली आए दिन इनका ये रहता है, जो यहाँ पर अनधिकृत रूप से काम करते हैं आए दिन आरटीओ ऑफिस पे जो है दबाव बनाने का जो प्रयास करते हैं, शोर मचाकर चिल्लाकर। और मेरा एक प्राथमिकता है कि जनता का कार्य सही तरीके से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के गलत कार्य बिल्कुल भी ना हो। और ये जो जैसे आज आया अभी कुछ देर पहले और काम कर रहा था, अचानक ये लोग शोर मचाने लगे और बोल रहे हैं कि हमको क्या कहते हैं बाहर आइए, हम पे चर्चा करिए, बाहर नहीं आए तो मुर्दाबाद किनारे लगा रहे हैं। मैं पूछता हूँ ये है कौन, कृपया आप भी, मैं भी जानना चाहता हूँ उनका मुद्दा क्या है। इनका एक भी इनका कहना है कि आप शाम को 5 बजे के बाद आप कार्यालय आते हैं। हाँ। और रेगुलर आते भी नहीं है। नहीं, फाइलें बाबू के माध्यम से ही आती है। बिल्कुल, और फाइलों में पैसा मांगा जाता है। नहीं, गलत बात है ये। पहली बात, फाइलों में कोई पैसा नहीं मांगा। ऑफिस में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सही नहीं है। यहाँ पर ऑफिस 1 घंटे के लिए अधिकारी नहीं आते, पब्लिक सफ़र करती है, बहुत सारे मोटर मालिक 15-15-20 दिन से सामने आपके हमारे मोटर मालिक बैठे हुए हैं हमारे,
कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 20 दिन हो गए मोटर मालिक, इनका फाइल नहीं मिल रही, काम नहीं हो रहा है, तो जनता को परेशानी है। अभी तक हर आरटीओ आके कम से कम एक घंटे अगर यहाँ बैठ जाए तो पब्लिक का काम हो और ये जो हो हल्ला मचा हो ये बंद हो जाए। ट्रक है हमारे पास। आप यहाँ किस लिए आए? कागज दिए हैं बनाने के लिए, तो आज 20 दिन हुआ, 20 दिन से अभी कागज आपको मिला नहीं। फाइल भी गुम गई है।